पहले सपा की सरकार में कहां चला जाता था? कहा जाता था सिपाही खानदान, उनके गुर्जे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। क्या जिसने किसानों की जान ली वो तो जाएंगे जाएंगे जेल, लेकिन उनको पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम आने वाले समय में होगा। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। तीसरे चरण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासत और प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। राजनेता सियासी बिसात पर बयानों से बाजी को साधने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर जिले की 9 विधानसभाओं के लिए प्रचार की कमान संभाली। यहां से पीएम ने झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और रायबरेली जिले में वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 फरवरी को भी अवध और बुंदेलखंड में प्रचार का कार्यक्रम है। ऐसे में सीतापुर से पीएम ने विपक्ष को निशाने पर लिया। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। बुधवार सियासी संग्राम का दिन रहा। पीएम मोदी ही नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभाएं की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, फरुखाबाद के चुनावी दौरे पर रहे। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरणों को साधते हुए जनता से वोट की अपील की। तीनों दिग्गजों के बीच बयानों की तीर जम कर चले। समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इनका सफाया होना तय है। जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है, इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं वे महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। तीसरे चरण केरल में 16 जिलों की 69 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग है। 627 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। अवध, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की सीटें सियासत का खड़ा है। ऐसे में दावेदारों की जीत हार का फैसला जनता के हाथ में है। टीम न्यूज़ स्टेट।